शाहरुख खान और दीपिका की फिल्म पठान का विरोध हो रहा है। बीते कई दिनों से फिल्म को बैन करने की मांग की जा रही है। हाल ही में पठान का ट्रेलर रिलीज किया गया है, जिसे लेकर फिल्म को मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। हालांकि फिल्म का पहला गाना बेशर्म रंग जब से रिलीज हुआ है, तब से विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया है। दीपिका पादुकोण की भगवा बिकिनी ने धार्मिक समूहों की भावनाओं को आहत किया और भगवा बिकिनी वाले सीन को हटाए जाने तक फिल्म के बहिष्कार की मांग की जा रही। पठान के विरोध में जमकर नाराजगी जताई जा रही। कहा जा रहा है कि इस तरह से भगवा रंग का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में शिकायत दर्ज कराई कि गाना हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। अब इस पर डिस्ट्रीब्यूटर मनोज देसाई ने बड़ी बात कह दी है। फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर और बांद्रा में G7 मल्टीप्लेक्स के मालिक मनोज देसाई ने एक इंटरव्यू में पठान विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मनोज देसाई ने कहा कि ये बॉयकॉट ट्रेंड सोशल मीडिया पर एक पॉलिटिकल गेम है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ऑडियंस को फिल्म देखने के लिए आना चाहिए। बॉलीवुड फिल्में एक बार फिर शानदार कमबैक करेंगी। जल्द कुछ शानदार फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है। बॉक्स ऑफिस पर पठान फिल्म शानदार कमाई करेगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कांतारा इतना ज्यादा चलेगी। नेगेटिव पब्लिसिटी फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर असर डालती है। नेगेटिव पब्लिसिटी की वजह से फिल्म के कलेक्शन पर असर पड़ता है। मनोज देसाई ने आगे कहा कि ये बॉयकॉट पठान ट्रेंड कुछ और नहीं बल्कि एक तरह का प्रोपेगेंडा है। हिंदू और मुसलमान समान संख्या में शाहरुख की फिल्म देखेंगे। बता दें कि पठान में शाहरुख खान के अलावा दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी नजर आने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सलमान खान और कटरीना भी इस फिल्म में कैमियो करने वाले हैं। बता दें कि जब से पठान का गाना बेशर्म रंग रिलीज हुआ है, तभी से शाहरुख की फिल्म का बहिष्कार किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे हैं। भगवा बिकिनी में दीपिका को देख कई लोगों की भावनाएं आहत हुई। अब सेंसर बोर्ड ने भी फिल्म में बदलाव करने के आदेश दे दिए। ऐसे में कहा जा रहा है कि गाने से दीपिका की भगवा बिकिनी वाले सीन को हटा दिया जाएगा। खैर, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि विरोध के बीच 25 जनवरी को रिलीज हो रही पठान का बॉक्स ऑफिस पर क्या हाल होता है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।